एशियन गेम्स में हमारे देश के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं और ऐसे में आज कुछ मेडलिस्ट जो हैं वो दिल्ली के अशोका होटल में पहुंचे जहां पर फेलिसिटेशन समारोह उनके लिए होना है। रिदम सांगवान हमारे साथ है शूटिंग से, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस रिदम। थैंक यू सो मच। एक सवाल जो आपसे कई बार पूछा जा चुका होगा लेकिन फिर वही पूछना चाहूंगी, एग्जैक्ट मोमेंट कैसा था जब आपको लगा कि अब शॉर्ट हो गया है और अब तो मेडल पक्का है? बहुत अच्छा फील हुआ जब हमें यूँ पता लगा कि हमारा गोल्ड है, टीम का गोल्ड है, और तो बहुत गर्व महसूस हुआ कि देश के लिए हम गोल्ड लेके आ पाए और देश का नाम रोशन कर पाए, तो बहुत गर्व महसूस हुआ। ठीक है, शूटिंग की अगर खास तौर पर बात की जाए और हम वुमेन शूटिंग की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा हम लोगों ने ऐसे नाम अभी नहीं देखे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों की टीम है और जिस तरीके से अब नए नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, तो शूटिंग को एक खिलाड़ी के तौर पर, एक प्रोफेशन के तौर पर अगर देखें तो कितना लगता है आपको डिफिकल्ट है, या लोग नहीं आ रहे हैं या धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं? नहीं, शूटिंग इंडिया में काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट है और काफ़ी लोग शूटिंग कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। इंडिया बहुत अच्छा कर रही है, वर्ल्ड स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आपको लगता है कि आपके मेडल्स के बाद तो और लोगों का इंटरेस्ट होगा और लोग इंस्पायर होंगे? आई होप सो। अच्छा, एक जानना चाहेंगे कि एक आपकी जिंदगी में एक आम दिन एज अ खिलाड़ी कैसे बीतता है, कैसे शुरुआत होती है, कितनी प्रैक्टिस आप लोग करते हैं, कितनी मेहनत रहती है जनरल दिनों में? जनरल 2 से 3 घंटे, बस ज्यादा नहीं। 2 से 3 घंटे। अच्छा, और बाकी टाइम आप लोग फ्री, चिल, अच्छा अभी मुस्कुराती हुई नजर आ रही है तो लग रहा है कि काफी चिल रहती होंगी, लेकिन कितना प्रेशर था और अब ये प्रेशर जब रिलीव हो गया तो अब कैसे सेलिब्रेट करने का आपका इरादा है? प्रेशर ऐसे जितना नहीं था क्योंकि हम सिर्फ प्लेयर्स सिर्फ अपने गेम पे फोकस करते हैं, तो सिर्फ अपना मैच खेला और अब फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। व्हाट्स नेक्स्ट? यहाँ तो गोल्ड हो गया, अब आगे का क्या प्लान? अभी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप है कोरिया में, तो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। ऑल द बेस्ट। तो रिदम, जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस 2-3 घंटे की है, बाकी टाइम चिल रहते हैं, लेकिन ये चिल और इनकी मेहनत का ही मैं कहूँ अगर नतीजा है कि गोल्ड टीम लेकर आई है और आज इनकी फेलिसिटेशन का समारोह यहाँ हो रहा है।